दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त करने के दिल्ली सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। दरअसल आपके 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाने के खिलाफ राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि ये नियुक्तियां असंवैधानिक हैं और मुख्यमंत्री को अधिकार नहीं है। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा था, जिसके जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि दिल्ली के लिए कानून में 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। एक संसदीय सचिव हो सकता है और वो भी मुख्यमंत्री के पास, लेकिन 21 का कोई प्रावधान नहीं है। वही चुनाव आयोग ने स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान न होते हुए भी संसदीय सचिव के रूप में नियुक्ति को लेकर 21 विधायकों से जवाब मांगा था। राज्य सरकार ने दिल्ली विधानसभा रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1997 में संशोधन करने की कोशिश की थी। इस विधेयक का मकसद संसदीय सचिव के पद को लाभ के पद से छूट दिलाना था, जिसे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नामंजूर कर दिया। आपको बता दें कि 21 आप विधायकों पर लाभ के पद पर होने का आरोप है, जिसके चलते उनकी विधायकी पर तलवार लटक रही है। दिल्ली और पंजाब में आपका विरोध और अब हाई कोर्ट से केजरीवाल सरकार को तगड़ा झटका। ऐसे में अब क्या करेंगे केजरीवाल, ये देखना फिलहाल बाकी है। देखते रहिए टीवी लाइव।